नमस्कार, अब मैं आपको बिश्रु आसन के बारे में बता रही हूँ। बिश्रु आसन हमें कैसे और किस प्रकार से करें कि हमें लाभ प्राप्त हो। हमें किसी भी आसन या मुद्रा में बैठना चाहिए और दो बार इन्हेल और एक्सहेल सांस को लेंगे। इस प्रकार से फिर सांस को छोड़ेंगे, इन्हेल और एक्सहेल। बॉडी को स्थिर रखें, कोई भी आसन कोई भी मुद्रा लगाएं। बिश्रु आसन या बिश्रु पोज भी कहा जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं बिश्रु आसन। बिश्रु आसन से जुड़ा हुआ है भगवान बिश्रु से, इसीलिए ये बिश्रु आसन है। और बिश्रु पोज में जब भी हम पोज लेंगे, बिल्कुल ऐसे दोनों लेग को सामने लाएंगे इस प्रकार से। अब बिश्रु भगवान जिस पोज में लेटे रहते हैं, विराजमान रहते हैं, हमें उसी पोज में आना है। अब हम स्टार्ट करते हैं बिश्रु पोज। दोनों लेग को बिल्कुल सामने लाए हैं। अब हम हेड को यहाँ लाएंगे। अब बिल्कुल ऐसे बाई करवट होते हुए बिल्कुल इस प्रकार से जाएंगे। यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड को रखा है और राइट हैंड को यहाँ पर, और हमारे दोनों लेग बिल्कुल स्ट्रेट है। जो आपका टो है ये बिल्कुल आगे की तरफ खींचा हुआ होना चाहिए इस प्रकार से। ये हो गया बिश्रु आसन। बिश्रु भगवान को कहा गया है कि आनंद के दिन में स्थिर होते हैं। ये है बिश्रु पोज। बिश्रु भगवान का स्मरण करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो मेरा राइट लेग है बिल्कुल ऊपर ऐसे जाएगा बिल्कुल, और जो टो है उसे टच करते हुए हम वापिस इस प्रकार से आएंगे। वन, और हम प्रेशर भी देंगे, एक को प्रेशर भी दे सकते हैं इसे हम। टू, वापिस। थ्री, क्षमता अनुसार या होल्ड करें। फाइव, आपका पंजा, हैंड का पंजा जितना जा सके उतना ले जाए। ये है होल्ड किया। और सिक्स, स्लोली स्लोली, जरूरी नहीं कि आप पूरा ऐसे ही जाएं, आप जहां तक जा सकते हैं, यहां तक जा सकते हैं तो यहां तक जाइए, यहां तक जा सकते हैं तो जाइए, और प्रॉपर आप जा सकते हैं बिल्कुल यू ऐसे। ये नहीं है कि हम इतना जाएंगे तो मुझे फायदा नहीं मिलेगा, आपको फायदा उतना ही करेगा, लेकिन अपनी क्षमता धीरे धीरे बढ़ाइएगा। इसी प्रकार हम अपोजिट लेग से करेंगे बिल्कुल ऐसे। दाई करवट बिल्कुल आपका दाया लेग नीचे और बाया आपका आ गया ऊपर। अब उसी प्रकार स्टार्ट करते हैं। वन, टू, इन्हेल और एक्सहेल। आप होल्ड कर सकते हैं तो आप इसे होल्ड करिए। इन्हेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये हो गया आपका बिश्रु पोज या बिश्रु आसन। मन में ध्यान करते हुए रिलैक्स।
अपने अपने हमासन पे आएंगे। कोई भी सुखासन या पद्मासन या अर्पद्मासन या आप बुद्धासन लगा सकते हैं। चलिए हम बुद्धासन लगाते हैं। इस प्रकार पहले पूर्व पद्मासन में आएंगे। ये आपका पूर्व पद्मासन और हम अब बुद्धासन में आ गए। जो आपका नाभि है ये नाभि से बिल्कुल ऐसे करेंगे तो ये हमारा बुद्धासन होता है। इस प्रकार से अभी हमने विश्रुवासन किया। विश्रुवासन से हमें लाभ क्या क्या प्राप्त हुआ है ये महसूस करें। आपकी दोनों लेग के पंजों में कसा हुआ है, आपकी मांसपेशियां मजबूत हुई हैं, आपने विश्व पूज किया, आपका ये इको प्रेशर पड़ा यहाँ पे आपके, आपकी ईएनटी का भी ये काम करता है। जब यहाँ पे प्रेशर जाता है तो इसे बोलते हैं कि ईएनटी का ये काम कर रहा है बिल्कुल। आपके नितंबों में बहुत ही लाभकारी है विश्व पूज। यहाँ तक कि कहा गया है कि इसे करने से विजाइना और पेनिस की भी पूरी एक्सरसाइज होती है। और विष्णु का वास आपके आनंद केंद्र में होता है। यहाँ पर आपका आनंद केंद्र है, यहाँ पे ही विष्णु का वास होता है। आपके नीचे ब्रह्मा का वास होता है, यहाँ विष्णु का वास और यहाँ शिव का वास। जब भी हम विष्णु पूज करें तो आनंद केंद्र पे ध्यान दें, अपने विष्णु का आनंद केंद्र पे ध्यान दें, क्योंकि आनंद आनंदमय होता है। इसलिए विष्णु पूज करने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। मन को शांत रखें और स्थिर रखें, विष्णु का ध्यान लगाएं। रिलैक्स। आपको ये मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।